अनिसारन फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज आप लोगों को मैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेक्चर वन इसका कर चुके थे, हम लोगों को पढ़ा लेक्चर टू के बारे में। लेक्चर टू में हम लोगों को पढ़ा है इलेक्ट्रिक जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है, क्लास 10 फिजिक्स का जो होता है, क्लास 10 फिजिक्स में याद रखिए। क्या पढ़ना है हम लोगों को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है। तो उसमें हम लोग लेक्चर वन कर चुके थे, आज डिस्कस करेंगे हम लेक्चर टू के बारे में। लेक्चर टू में डिस्कस करने जा रहा है इसमें मेनली, देखिए नाम तो बहुत बड़ा लग रहा है, डेस्टोर के हार्ड लेते हैं, इसमें मेनली दो टाइप पढ़ना है, दो चीज पढ़ने। क्या पढ़ना है, पहला क्या हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेन ईएससी बोले हैं। सेकंड क्या पढ़ना है, ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो बारी बारी दोनों को पढ़ लेंगे, अब पढ़ने के बाद पूरा डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, देखिए पहले वही बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जो होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, क्या होती है वो। तो मैं बताना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट को, मैं बताना चाहता हूँ क्या, कि जो लेक्चर वन नहीं पढ़े हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो पर सर्च कीजिए यूट्यूब ब्रिलियंट क्वेश्चन टू मसौड़ी, और प्रीवियस वीडियो इसका लेक्चर वन पढ़ लीजिए। लेक्चर वन पढ़ने के बाद ही आपको लेक्चर टू आपको एकदम पूरी तरह समझ में आएगी, क्योंकि लेक्चर वन नहीं पढ़िएगा उसका लेक्चर टू पढ़िएगा तो कुछ उसमें आपको डिफिकल्ट होगा पढ़ने के लिए। तो हम लोग को डिफिकल्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। तो बस मैं और टीचर की तरह लिखाता नहीं छुपाता नहीं, बस एक तरफ खाली हम लोग समझाना है कुछ करना है। जब समझ जाएगा तब एग्जाम में अपने से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जाएगा तो कॉपी नहीं मिलेगा, नहीं कलर कॉपी नहीं आपको लेना होगा यहाँ से, नहीं बुक लेना होगा, बस जो दिमाग में है वही आपको लिखना होगा। तो क्यों नहीं उसको हम पूरा समझते हुए अब समझ जाएंगे तो आराम से कहो लिख सकते हैं। अब छाप रहे हैं कोई फायदा नहीं, तो छाप ही नहीं, बाद में मैं हट जाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोटबुक पर आराम से आपको अच्छी तरह राइटिंग सजा सकते आप लोग बना सकते हैं, फिर कोई बात नहीं है, छोटे सा बात। लेकिन हाँ यहाँ पे मैं फोकस करा रहा हूँ समझाने पर कैसे क्या इसमें वर्क करते हैं, बस उसको समझना है। इसमें चैप्टर में मेले रूप से समझने के लिए बनाया गया, समझिए आप। तो क्या बोल रहा है, जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, सबसे पहले जो हैंस ऑर्स्टेड वैज्ञानिक का नाम है, क्या है, हैंस ऑर्स्टेड वैज्ञानिक का नाम है, जो 1820 में जो अपना बताए थे, क्या बताए थे कि कोई भी इलेक्ट्रिक वायर से जब इलेक्ट्रिक को फ्लो कराएंगे तो उसके अगल बगल में क्या मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग को प्रोड्यूस होगा। क्या बोले थे भाई, कौन बोले थे, हैंस ऑर्स्टेड 1820 में क्या बताए थे, वैज्ञानिक का नाम क्या बताए थे कि किसी भी वायर से जब करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके अगल बगल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा। तो वो कैसे भाई, तो हाँ देखा जाए आप लोग को, तो यहाँ पे क्या है, एक वायर लिया मैंने, वायर लिया यहां से प्लस, एक बात और क्या बोला, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करवाना है, नहीं यहाँ पे प्लस माइनस देंगे नहीं, यहाँ सेल से जोड़ेंगे तो कैसे इलेक्ट्रिक जो होता है फ्लो कराएगा भाई। तो देखना है इसमें कि एक तरफ प्लस लिए एक तरफ माइनस, इसको हम सेल से जोड़ दिए, समझिए, मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट है मैथ के आप समझ सकते हैं, प्लस एक तरफ हो गया, क्या हो गया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, दोनों को सेल से इंक्लूड जोड़ दिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो करा रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको अगल बगल में जो होता है क्या होगा, अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब पूछेगा हमसे कि क्या सर इसका डायरेक्शन किस ओर होगा, तो डायरेक्शन पता करने के लिए आप लोग डायरेक्शन पता करने के लिए क्या होगा, कंपास नीडल यहाँ पे साइड में रखेंगे और करंट जितना जाएगा उसको उसके अनुसार अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किस इसका कैसा डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन आप आराम से पकड़ सकते हैं, कैसा भाई, तो यहाँ पे कंपास नीडल को रख करके डायरेक्शन बता सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, हैंस ऑर्स्टेड क्या बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट को भेजेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है इंडक्शन में, इसमें क्या हुआ था, इसको पहले क्या बताए थे, माइकल फैराडे बताए थे, कौन, माइकल फैराडे बताए थे, क्या बताए थे, माइकल फैराडे, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है इंडक्शन कौन बताए थे उसके बारे में, तो कौन, माइकल फैराडे बताए थे। क्या बताया था भाई, इनका एक जो थ्योरी दिए थे, कहानी इनका है, मैं इसका कहानी के बारे में जिक्र करूंगा, थोड़ा लंबा भाई वीडियो जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका कहानी मैं बताऊंगा कि किसका क्या इनका कहानी था, देखिएगा। तो क्या है बताया है कि जो इससे क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या लिए, एक यहाँ पे क्या लिए, लपेटा मार के इसको एकदम लपेटा क्या उसको बोलते हैं, बॉन्ड ले लिए यहाँ पे, बॉन्डिंग कर दिए इसको, यहां से एक क्या लिए, वायर का यहाँ बॉन्डिंग कर दिया, यहाँ से यहाँ पे बल्ब लगा दिए, और मैग्नेटिक जो होता है मैग्नेट यहाँ रख दिए, बार मैग्नेट, उसको जैसे जैसे नजदीक ले जाएंगे उसको वैसे से ग्लो करेगा, वैसे से दूर करेंगे तो क्या करेंगे वहां से थोड़ा लाइट है ग्लो करना कम करेगा, मतलब ये हमारा क्या है सर्किट लिए यहाँ पे मैग्नेट रखे, जैसे जैसे इसको पास ले आएंगे तो लाइट यहाँ पे लाइट बल, जैसे लाइट पास लाएंगे तो लाइट ग्लो करेगा,
दूर करेंगे तो लाइट थोड़ा ग्लो करना कम ग्लो करेगा। तो क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोला इसमें, क्या बोला था इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी हमको लाना है। देखिए पहले की जो वैज्ञानिक थे उसको उससे पूछ रहा है, तो क्या बोलता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक में जो होता है कोई रिश्ता नहीं था, रिलेशन नहीं था, लेकिन अब देखा जाए तो दोनों में काफी जो होता है रिलेशनशिप बनाता है आपस में। देखिए आप बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी जब यहां से जाएगा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहाँ क्या बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से क्या मिलेगा हम लोग को, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है करंट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे पास करें आप समझ गए होंगे। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें देखिए क्या पढ़ना है, इसमें फ्लो करना है क्या, देखिए आपको बताते हैं मैंने कि इलेक्ट्रिक जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ना है। अब पूछे कि लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो हाँ इससे डायरेक्शन पता चलता है डायरेक्शन किसकी ओर होता है कैसा होता है, तो इसको मैं लेक्चर 3 में जो होता है आगे वाला वीडियो बताऊंगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होता है। तो देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में इससे पढ़ना है, राइट हैंड रूल के बारे में इससे पढ़ना है, लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। एक और बात क्या है, इसमें मेन रूप से दो डिवाइस के बारे में पढ़ना है, एक मोटर के बारे में पढ़ना है, एक जनरेटर के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जो होता है मोटर वो किस पे वर्क करता है, तो लेफ्ट हैंड रूल मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, ये करता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल पे, मतलब जनरेटर जो होता है जनरेटर वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या होता है वर्क करता है। और आपको देखा जाए यहाँ पे क्या बोला कि इसमें पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करूंगा आज, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बार मैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को तैयार किया तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैसे भाई। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन मैं जान लिया पहले कि व्हेन एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इन बॉन्डेड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, क्या बोल रहा है एक सॉफ्ट आयरन कोर पे, क्या बोल रहा है सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉपर वायर इंसुलेटेड कॉपर वायर को बॉन्डेड करेंगे तो उसके जो करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर जो होता है उसमें जो मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैसे भाई। तो देखिए ये मान लिया मेरा सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, ऐसे तो है नहीं बसते तो प्लास्टिक का हो गया ना, तो इसमें कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि इसको क्या मान लिया सॉफ्ट आयरन कोर मान लिए, इस पे क्या करेंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देंगे, करेंगे यहां से करंट फ्लो कराएंगे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, जैसे करंट फ्लो कराएंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइज होगा ना उसको मैग्नेट की तरह उसके अंदर मैग्नेट काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह काम करेगा तो क्या उसको बोला उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो क्या बोल देखिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लिए हैं, इसके अंदर जो होता है लपेट दिए क्या कॉपर वायर लपेट दिए हैं, यहाँ से देखिए वोल्टेज गया है इलेक्ट्रोस्टेटिक लिए हैं, यहाँ से वोल्टेज जब यहाँ से मुख्य वोल्टेज जा रहा है यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ से करंट जा रहा है यहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ पे गया तो सॉफ्ट आयरन कोर लपेट लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है हम लोग को यही होता है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट्स कर, देखिए आप बी लिखा है बी एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ जो होता है किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है तो वो देखिए पहला क्या है करंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। सेकंड क्या है नो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न जितना इसको लपेटा करेंगे जितना ज्यादा होगा जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, जितना कम उतना कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कम होगा तो कम, बोला नेचर ऑफ मटेरियल मटेरियल को नेचर क्या भी इसके में कुछ योगदान होता है मटेरियल के नेचर का भी इस पर डिपेंड करता है, कैसे देखिए इसमें मेनली अच्छा देखा जाए तो सॉफ्ट आयरन कोर ले लेंगे मटेरियल और ऐसा कर सकते हैं। तो आप समझ गए हो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पर डिपेंड करता है। अब हम पढ़ना बार मैग्नेट के बारे में, बार मैग्नेट क्या होती है भाई, तो बार मैग्नेट इट इज द परमानेंट मैग्नेट, क्या इट इज परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है भाई, तो परमानेंट मैग्नेट इसको हम लोग बोलेंगे जो घर में हम लोग देखते हैं खिलौना वगैरह में, देखें खिलौना टॉयज वगैरह निकलता है या हेडफोन वगैरह निकलता है, तो क्या इसमें देखिए ये हम लोग देखें हेडफोन क्या है, हेडफोन एक नहीं है जो कान में हम लोग लगाते हैं हेडफोन को, ये हेडफोन में क्या होता है परमानेंट मैग्नेट, ये होता है परमानेंट मैग्नेट, जो माइक्रो छोटा छोटा फोन होता है फोन में होता है परमानेंट मैग्नेट, ये सब परमानेंट मैग्नेट है। देखिए आप इसको ऐसे करेंगे तो कुछ ना कुछ घर पर देखिए इसमें क्या है यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जो होता है परमानेंट मैग्नेट बार मैग्नेट। क्या हुआ अब क्या बोला मेड अप ऑफ स्टील, कैसे बनता है भाई बार मैग्नेट कैसे बनता है, तो स्टील से बनता है और निकल स्टील से क्रोमियम स्टील से एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम क्या होती है तो एल्युमिनियम करने का मतलब होगा कि एल्युमिनियम कोबाल्ट और क्या होता है निकल, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट से बनता है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम जो होता है ये सबसे क्या बनता है बार मैग्नेट बनता है, इतना इसे बार मैग्नेट बनता है, क्या बनता है
बार मैग्नेट बनता है कि नहीं बनता है। अब हम लोग को बारे में देखना है कि डिफरेंस हम लोग को देखना है, क्या डिफरेंस देखना है भाई। तो डिफरेंस देखने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस देखने से पढ़ने हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑसिलेटर के बारे में जाएंगे। देखिए तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस क्या होती है, तो डिफरेंस देखा है हम लोग को, तो डिफरेंस क्या होती है, तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे टेम्पररी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बार मैग्नेट देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पररी मैग्नेट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट देखिए यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये इसमें मैग्नेट बनेगा, करंट नहीं फ्लो कराएंगे तो मैग्नेट नहीं बनेगा, तो क्या टेम्पररी हुआ ना जी, उसको क्या करें, करंट को फ्लो कराएंगे तो मैग्नेट बनेगा, नहीं करेंगे नहीं बनेगा, तो टेम्पररी हो गया। ये परमानेंट मैग्नेट है, क्या बोले आप जो हेडफोन में देखा अभी मैं तो आपने हेडफोन में देखा, ये हेडफोन है, हेडफोन में आप लोग देखा क्या, इसको हम करंट इसको मैग्नेटाइज खत्म कर सकते हैं, नहीं ना अभी तो नहीं खत्म कर, परमानेंट है, खत्म नहीं हो सकती है, उसमें क्या है करंट को जो फ्लो कराएंगे तो बनेगा, नहीं कराएंगे नहीं बनेगा, तो क्या हमें बोला कि ये जो होता है परमानेंट मैग्नेट वो टेम्पररी। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पोलरिटी कैन बी चेंज, इसको पोलरिटी चेंज भी कर सकते हैं, जैसे देखिए पोलरिटी इसको एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस, इसको चेंज करके एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें पोलरिटी आप फिक्स। इसको देखिए बार मैग्नेट मैंने लिया, बार मैग्नेट लिया तो इसमें क्या एक नॉर्थ एक साउथ दोनों का पोलरिटी फिक्स होता है, दोनों चेंज नहीं कर सकते आप। क्या बोल रहा थर्ड नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेरी, इसका स्ट्रेंथ चेंज होता है, इसका स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का फिक्स होता है। जैसे देखा जाए इसको देखिए लपेटा को जो क्या बोले हम लोग कि पर यूनिट जो होता है लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, घटाएंगे तो कम है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटाएंगे तो कमेगा, तो क्या ऐसे कहीं ना कहीं इसको चेंज हो रहा है, वैरिटी हो रहा है, इसमें आर फिक्स होता है। आप देखिए इसका जो बार मैग्नेट मैंने बताया कि इसका जो होता है मैग्नेटाइज आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, जो है जो है कंपनी बना के दिया जो है सो है, तो इसमें क्या होता है ना बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, परमानेंट है ये जो होता है ना टेम्पररी होता है जो बढ़ा घटा सकते हैं। ये चीप होती है मतलब सस्ती होती है, इससे बहुत मतलब महंगा आता है इस पे देखा जाए। देखिए इसको क्या आप खुद बना सकते हैं, इसको होता है जो महंगा पड़ता है उसको खाने में खरीदने महंगा पड़ता है। ये क्या बोला इन बिग मशीन आर लाइक रेसर एटीसी, इसको बड़े बड़े मशीनों में प्रयोग किया जाता है टेम्पररी मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट के, क्यों, क्योंकि जो बड़ा सामान रहेगा उसमें बड़ा जो चुंबक खरीद करेंगे तो उसमें इस ए वाला खर्चा करते हैं बार मैग्नेट तो बहुत ज्यादा और महंगा हो जाता है, महंगा सामान है और महंगा मैग्नेट है और महंगा बिकी है, इस चलते महंगा सामान जो ट्रेडिशनल वगैरह में उसमें सस्ती चिप वाला लगता है कौन, इसमें लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि सामान महंगा रहे चुंबक सस्ता रहेगा तो आराम से आप लोग खरीद सकते हैं, ज्यादा नहीं महंगा पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि बार मैग्नेट जो है छोटा छोटा खिलौना महंगा पड़ता है तो छोटा छोटा खिलौना हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा आराम से लेस खरीद सकते हैं मिल सकता है। देखिए टॉयज हो गया, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन दिखाया ना मैंने, माइक्रोफोन इसके अंदर होता है, इसके अंदर इसमें बार मैग्नेट लगा होता है, और हेडफोन देखे हैं चाहे मोबाइल वगैरह देखे उसमें स्पीकर में जो होता है उसमें भी लगा होता है। हम लोग पढ़ लिए क्या डिफरेंस पढ़ लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बारे में, एक और हम लोग को पढ़ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्शन आ गया क्या होता है, तो क्या द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर विद करंट पास थ्रू इट, क्या बोलता है इसी के बताया तुम्हें बता दिया था कोई बात नहीं फिर इसको बताता इसको तुम्हें बता दिया यहां बताया नहीं बताया कि किसी भी वायर से करेंट फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो बोला ये फेनोमेना का ऐसा जनरेशन है क्या कि किसी भी वायर से जब हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा प्रोड्यूस, देखिए यहाँ पे क्या एक वायर लिया मैंने, एक प्लस लिया एक माइनस लिया से जोड़ दिया, और देखिए इसको हम क्या करेंगे करंट को फ्लो कराएंगे तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल बताया था 1820 से मैंने 1820 में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किए थे, इक्वल बताया मैं नहीं बता रहा उनको दिया गया धारणा को मैं खाली बता रहा हूं, आप लोग को भी प्रोड्यूस कर रहा बताने का कुछ काम कर रहा हूं, लेकिन ये बताया कौन तो ऑर्स्टेड ने बताया था, क्या होता था 1820 में बताया था ऑर्स्टेड, क्या होता था एक्सपेरिमेंट में बताया था कि किसी भी वायर से करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्रोड्यूस होता है। उसके डायरेक्शन कैसे पता लगा, तो यहाँ पे क्या कंपास लेकर रखेंगे यहाँ पे रख करके हम लोग डायरेक्शन को पता कर लेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट था वो, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड क्या ऑर्स्टेड के था, सेकंड नंबर एक्सपेरिमेंट क्या बोला बोलाए कि देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे क्या लिया एक स्टैंड लिया, इसमें क्या स्टैंड लेकर क्या किया यहाँ पे फ्लेक्सिबल यहाँ पे रखा एक कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड है क्या, एक कार्डबोर्ड है कार्डबोर्ड आयरन
फिलिंग नहीं आयरन फाइलिंग है, आयरन फाइलिंग मतलब आयरन का छोटा टुकड़ा हो गया, आयरन फाइलिंग यहाँ पे ले लिया, लेने के बाद क्या किया स्विच ले लिया, यहाँ पे बैटरी सेल से जोड़ दिया, प्लस एक माइनस, देखिए प्लस एक माइनस स्विच है, यहाँ पे जोड़ दिया बैटरी है, यहाँ पे देखिए बैटरी है, सेल से जोड़ दिया, यहाँ पे कार्डबोर्ड को लगा दिया, आयरन फाइलिंग को यहाँ पे लगा दिया, क्या बोला वे नो करेंट इज पास, जिसमें करेंट नहीं पास किया तो वह ऐसे था, करेंट नहीं पास किया तो वो ऐसा था, चोर जो होता है ना आयरन फाइलिंग का जो होता है छोटा छोटा चोर यहाँ पे गिरा होता, कुछ नहीं उसमें डिपेंडिंग हुआ, डिफरेंस हुआ। अब क्या बोल रहा है कि वेन करेंट इन पास, क्या बोल रहा है कि जब करंट पास किया, वेन करंट इज पास, करंट को पास किया तो क्या देखा है, ये क्या हो गया बैटरी भाई, क्या बैटरी देखिए बैटरी हो गया, बैटरी इसको क्या बोलेंगे स्विच, स्विच बोलेगा, ये क्या होगा स्विच, ये होगा बैटरी, तो स्विच बैटरी में क्या देखा हम रहे कि ये क्या हो गया, जब इसको लाइन जो प्रोड्यूस किया यहां से बैटरी, यहां से देखिए इसमें लाइन जो था इसमें नहीं दिया था, मैंने कहा कि करंट को पास, करंट को फ्लो नहीं करवाया था, ऐसे जहां पे स्विच खटाक से मारा यहां पे क्या ऑन किया, तो ऑन किया तो क्या देखा हमने, ऑन किया तो क्या देखा कि जो स्ट्रेट लाइन तो था, एक वायर लिया मैंने स्ट्रेट वायर, वायर में यहाँ पे कार्बन फिक्स कर दिया, काट करके यहाँ पे लगा दिया, तो इसमें क्या देखा कि आयरन जो फिलिंग फाइलिंग था इसको यहाँ पे रख दिया, जब आयरन को जब देखिए आयरन फाइलिंग यहाँ पे था कि यहाँ पे करंट को पास किया तो क्या होगा, जो आयरन फिलिंग हुआ एक कंसंट्रेटिंग जो होता है जो सर्कल्स बन गया, कंसंट्रेटिंग सर्कल मतलब एक ऐसे यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ ऐसे की ओर, यहाँ पे क्या सीधा लंबा तार लिया, इसमें करंट को फ्लो कराएंगे यहाँ पे डायरेक्शन पता कर लेंगे, तो क्या एक कंसंट्रेट बन गया, कंसंट्रेटिंग सर्किल यहाँ पे बन गया, का आयरन फाइलिंग जो था वो कंसंट्रेटिंग सर्किल बन गया, कैसे कि जो करंट फ्लो करवाया था, करंट फ्लो नहीं गया तो वैसे ही था, करंट फ्लो किया तो क्या होगा कंसंट्रेटिंग सर्किल बन गया, कार्बन पे देखा जाए यहाँ स्विच ऑन किया था। अब आपसे पूछेगा कोई सीधा लंबा तार रहेगा स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन में आपको डायरेक्शन पता करना था कैसे, तो डायरेक्शन पता देखो इसको क्या यहाँ पे गया तो इसको डायरेक्शन क्या ऐसे से इसको लपेटा मार्निंग बाइक तो आपको कंसंट्रेट ऐसे होते गया, कंसंट्रेट होता गया तो आप डायरेक्शन देखे भाई कभी ऐसा डायरेक्शन कभी ऐसा डायरेक्शन तो कभी ऐसा डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पता करना होगा ऐसे से, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेसन थ्री में हम लोग सब थ्री में पढ़ेंगे, उसको में क्या पढ़ना है हम लोग को कि क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल, क्या होता है राइट हैंड रूल, तो वो सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, एसी डीसी क्या होती है सब के बारे में हम लोग अच्छा से पूरी तरह डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे तो क्या होगा हम लोगों की पूरी अच्छी तरह हम लोग को नॉलेज मिल जाएगी, मिल जाएगी तो पता है कि हम लोग अच्छा से पढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट टू में हम लोग औसत यही बताए थे कि किसी भी आयरन फाइलिंग को कार्बन पर रखेंगे तो लाइन जब देंगे करंट फ्लो करेगा तो वो कंसंट्रेटिंग सर्किल में आपको बन जाएगा, तो इसको डायरेक्शन पता करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आप पढ़ लीजिए, आप लेना है जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर नोट करते चलेगा, आप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, लेसन थ्री में आपको मिलाऊंगा कि क्या होता है उसमें बताऊंगा सारा आप पढ़ रहे मेरे साथ, देखिए थैंक्स, टेल देम गुड बाय बाय।